दाल तबक। आज मैं आपके साथ में रेसिपी लेके आई, बहुत ही धमाकेदार मजेदार। ये देखिए मैंने बनाए हैं मलाई चिकन कबाब बनाए हैं, बहुत ही मस्त और बढ़िया बने हैं। इसकी रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए मैं इसको किस तरीके से सर्विंग कर रही हूँ, प्लेट में प्लेटिंग करके आपको बता रही हूँ, और बहुत ही अच्छी बनी है ये रेसिपी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैं किस तरीके से इसको सजा रही हूँ, बना रही हूँ, जो भी आप लोगों के लिए। और आप लोग इसको, इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। देखिए देखने में कितनी मुंह में पानी आ रहा है। और इसके लिए मैंने बनाया ये देखिए, इसका सॉस एकदम धमाकेदार सॉस है, बहुत ही टेस्टी है, एकदम रिचनेस से कितना रिच है। आप इसे आप लोग दावत में बनाइए आपके घर में, या घर में ही बना के खाइए, एंजॉय कीजिए। कैसी लग रही है आपको ये डिश, लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये कैसी लगी। हम आपके लिए अच्छी अच्छी से रेसिपी लेके आते हैं, जरा दिल खोल के कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। कितने आलसी हो गए हैं लोग, एक बटन दबाना भारी पड़ता है। सॉरी हाँ, मस्ती कर रहे हैं, आपकी मर्जी, आप करना चाहते करिए, नहीं करना चाहते तो मत करिए, पर आप हमारी रेसिपी जरूर देखिए। एकदम इसको क्रीम में डिप कर दीजिए और बहुत ही मज़ेदार, और इसको क्या कहेंगे, चिकन मलाई कबाब। भरपूर इसमें मलाई है। और ये देखिए अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं गार्निश करूंगी हरा धनिया। ये एक हो गया, आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, उसको प्लेटिंग कर सकते हैं। और दूसरा एक, आप शादी में अगर आपके वहाँ कुछ छोटा पार्टी हो या गेट टुगेदर हो, तो आप उसको इस तरीके से एक फॉइल पेपर लीजिए और इसको आप एक चिकन के इसके कबाब को रखिए, और फिर उसके बाद में इसके ऊपर क्रीम डालिए। एकदम बहुत बढ़िया आइडिया है। और ये देखिए शादियों में तो आप लोग ने खाया होगा, इस तरीके से फॉइल पेपर के अंदर वाइट ग्रेवी में कबाब होते हैं। अगर आप स्टिक नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाइए, स्टिक तो खाली शो के लिए है, मज़ा तो उसके अंदर जो माल मटेरियल है उसका है। और उसके ऊपर ये हरा धनिया हल्का सा डालिए, फिर उसके बाद में इसको इस तरीके से रैप कर दीजिए आहिस्ता से। ये एक सर्व करने का तरीका हो गया, और हल्के से हाथ से इसको वो कर दीजिए। ये देखिए बहुत बढ़िया सा है कि नहीं है, और ये देखिए बहुत ही मस्त, एकदम बहुत ही धमाकेदार बन गई रेसिपी। और चलिए बनाते हैं फिर किस तरीके से बनी है, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, खूबसूरत है ना, खाने को देख के मन कर रहा है। चलिए फिर रेडी करते हैं और आप भी हमारे साथ बनाइए, एंजॉय कीजिए। पहले एक पैन ले लेंगे, और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। इसके अंदर जाएगा बटर, बटर कितना जाएगा, 50 ग्राम बटर जाएगा इसके अंदर। ये इसके अंदर बटर गया, फिर इसके अंदर जाएगी क्रीम। क्रीम कितनी डालनी है हमको, इसमें 200 ग्राम अमूल क्रीम फ्रेश। सब क्रीम को अच्छे से पोंछ के इसके अंदर डाल देंगे, बेस नहीं करेंगे जरा भी। ये डाल दिया अब इसके अंदर, अब इसको धीमे धीमे गैस पे चलाएंगे और ये बटर जो है मस्का वो गल जाए। गैस को मैंने स्लो रखा है,
अच्छे से इसको इसमें मिक्स कर लेना है। और ये देखिए ये पतला होने लगा है, बटर और क्रीम दोनों पकने लगा है। इसकी थिकनेस देखिए किस तरीके की हो गई है, और ये पक रहा है स्लो स्लो गैस पे। सबसे पहले इसको तैयार करना है, फिर अब मैं गैस को दूंगी बंद कर। ये बन गया है सॉस, क्रीमी सॉस तैयार हो गया है। गैस को मैं बंद कर दे रही हूँ, ज़्यादा देर नहीं पकाना है इसको। और बर्तन को मैं गैस के पर से पैन को हटा देती हूँ, नहीं तो गैस इसमें पकता रहेगा तो और ज़्यादा गाढ़ा थिक हो जाएगा। इसे अलग कर देती हूँ। अब ये मैंने ले लिया चिकन, ये है चिकन का कीमा। ये मैंने ब्रेस्ट पीस मंगाया था और इसको मैंने घर में ही फूड प्रोसेसर में अच्छा सा एकदम कीमा बना लिया है सॉफ्ट। और आप ये मटन से भी बना सकते हैं, और अगर आप समझिए कि कीमा नहीं घर में बना सकते या कुछ है तो थोड़ा सा मिक्सर में डाल के थोड़ा थोड़ा सा उसको पीस लीजिए हल्के हल्के हाथों से, नहीं तो फिर आप शॉप पे से ही कीमा करवा लीजिए। और आप मटन से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चिकन से बना रही हूँ ये कबाब। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका पेस्ट बना है बिल्कुल। और साफ करके मैंने पहले ही ब्रेस्ट पीस को अच्छे से वॉश करके रख दिया था, पानी निकाल दिया था, फिर उसके बाद में मैंने इसको पीस लिया है। पीसने के बाद में इसमें कुछ मैं मसाले ऐड करूंगी, जो मसाले अभी मैंने निकाल के रख लिए हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके अंदर है 1 टीस्पून तंदूरी मसाला है, 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी चिली है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1.5 टीस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, और ये 1/2 टीस्पून वाइट पेपर है। और इनको मैं डाल दूंगी क्योंकि 600 ग्राम कीमा है, उसी के हिसाब से मैं ले रही हूँ। फिर इसके अंदर ये जाएगा 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, फिर उसके अंदर जाएगी हरी मिर्च 1 स्पून, फिर इसमें नमक जाएगा, टेस्ट के हिसाब से डालिए नमक। मैंने थोड़ा डाली क्योंकि चाट मसाले में बहुत ज़्यादा नमक होता है, इसके लिए मैं अभी 1/2 टीस्पून डाली हूँ। टेस्ट कर लेंगे, अगर कम होगा तो और डाल लेंगे। अब ये 1 कप मैंने इसमें हरा धनिया काट के रख ली थी, ये भी डाल दी क्योंकि हरा धनिया को मैंने धो के अच्छे से पानी निकाल के और अच्छे से कट कर लिया था। अभी सारों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बहुत अच्छे, बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं। आपने शादियों में खाए होंगे कबाब, ये अक्सर शादियों में होते हैं। आप घर में दावत में स्टार्टर की जगह पे आप इसको बनाइए, या रमजानों में बनाइएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए खाली सिर्फ कच्चा कीमा है और मसाले इसके अंदर से पड़े हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी, इसका अरोमा बहुत अच्छा आने लगा है। इसको मैं आप मिला के अच्छे से थोड़ी देर के लिए मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। देखिए खूब अच्छे से मिक्स हो गया है, हाथों से मिक्स कीजिएगा, चम्मच से मत मिक्स कीजिएगा मसाला, नहीं तो अंदर से अच्छे से मिलेगा नहीं। ये देखिए ये हो गया है। अब इसमें नमक टेस्ट कर सकते हैं, नमक कम होगा तो और मिला लें। ये 10 मिनट हो गए चिकन को लगा के फ्रिज में रख दिया था मैंने। अब इसके अंदर मैं अभी नमक टेस्ट की हूँ तो थोड़ा सा हल्का सा नमक कम है इसके अंदर। मैं जो मैंने लिया था 1/2 चम्मच और रह गया था वो भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर मैं ये ऐड कर रही सीख मसाला, और ये शान का मसाला है, आप कोई भी कंपनी है ब्रांड का ले लीजिए। वो मैं 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी और अच्छे से इसको भी मिक्स कर डालूँगी। ये हो गया है, चलिए इसको अभी हम किस तरीके से बनाएंगे वो आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए ये मैंने ले लिए कबाब जो फ्रिज में रख दिए थे, और ये रवा है, इससे रवे से मैं इसको कोट करूंगी। और ये मैंने स्टिक ले ली है, इस तरीके की आइसक्रीम की स्टिक आती है मार्केट में, बहुत आसानी से मिल जाती है, इस
से मैं इस कबाब को लूँगी, हल्का सा पानी लगा के, और यूँ फिर उसके बाद मैं इसको स्टिक को इस तरीके से अंदर रखूँगी। और ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, और इनको हल्का हल्का सा प्रेस कर दूँगी। अच्छे से इसको यहाँ पर से भी लॉक कर दें, ऐसे दबा दें, प्रेस कर दें, यहाँ पे इसको रवे में रख देंगे। फिर दूसरा ले लेंगे, जितने भी हैं इसी तरीके से बना लेंगे। बहुत बड़े नहीं बनाना है ना, बहुत छोटे नहीं बनाना है, मीडियम साइज के बनाइए। ये देखिए, पार्टी हो आपके घर में, दावत हो, उसमें ये स्टार्टर को ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ से मैं इसको हल्का सा पानी लगा के यहाँ से इसको लॉक कर दूंगी, थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी, जिसमें ये फ्राई करने के टाइम पे छुट के गिरे नहीं। और हल्के हल्के हाथों से इसको ऐसे 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 तैयार कर लीजिए। और फिर उसके बाद में फिर इसको रवे में ऐसे कोट कर लूंगी अच्छे से। हल्के हल्के हाथों से इसको रवे में ऐसे कोट कर दीजिए इसके ऊपर। ब्रेड की कोटिंग नहीं कीजिएगा, रवे की ही कोटिंग कीजिएगा। ये देखिए, फिर इनको झाड़ के एक साइड में ऐसे लगा लगा के रखते जाएंगे। तरीके से बनाइए इसको, बहुत ही अच्छे, बहुत मज़ेदार, एकदम अच्छी सी रेसिपी है। और ट्राई कीजिए इसको ज़रूर आप लोग। ये देखिए, अब मैं बाकी का, अब इनको सबको मैंने स्टिक में ऐसे लगा दिया है, एकदम लॉलीपॉप के जैसे हो गए। और चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। तो देखिए, एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है। तेल लेने के बाद में एक गर्म हो गया है तेल, बहुत तेज़ है। इसके अंदर मैं ये इस तरीके से ये डालती जाऊँगी कबाब को, एक साथ में सारे नहीं उसमें भरने हैं, नहीं तो सब आपस में मिलके टूट जाएंगे। स्पेस छोड़ छोड़ के थोड़ा इनको डालना है, और 2-3 मिनट तक इनको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये अभी इनको हाथ लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे। अच्छे से फ्राई होने लगे हैं ये, गैस पूरी हमारी फ्लेम फास्ट है। थोड़ा सा इसको पलटेंगे हल्के हाथ से। ये देखिए, अब इनको मैंने चुप्पे से एकदम धीमे धीमे से पलट दिया है, आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें ये टूटे नहीं। अब ये टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि बीच में इनको हाथ नहीं लगाया था, इसके लिए ये अभी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इनका गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा, तो इनका बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। देखिए ये फ्राई हो रहे हैं, और इनका कलर भी बहुत प्यारा सा आने लगा है। इनको बार बार हाथ लगा लगा के इनको टच नहीं करना है, नहीं तो ये टूट के निकल जाएंगे ज़्यादा इनको अल्टा पलटा करेंगे तो। देखिए इसका कलर देखिए कितना प्यारा सा आ गया है। ये वाले का कलर भी ये पक गए हैं। चलिए अब इनको हम निकाल लेते हैं, इनको नैपकिन में निकाल के रख देते हैं।
और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही कबाब की। तरीके से निकाल निकाल के साइड में रख लेंगे। अभी सेकेंड राउंड डाल देंगे हम। अब ये देखिए गैस को मैंने बंद कर दिया और ये भी फ्राई हो गए हैं कबाब, इनको भी मैं निकाल लूंगी और ये नैपकिन में, पेपर नैपकिन में डाल दूंगी साइड में। चलिए फिर बन गए हमारे कबाब, मिलते हैं फिर आपसे अल्लाह हाफिज़ अगली रेसिपी के साथ।